एक और इलस्ट्रेशन नंबर 48, एक और इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 7.85, पेज नंबर 7.85। इलस्ट्रेशन नंबर 48 पेज नंबर 7.85 क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो एक कंपनी है जो अपने 60,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100+20 ईच के हिसाब से, मतलब 100 का शेयर है उसको ₹120 में इशू कर रहे हैं। पेबल 100 का शेयर है 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, ₹10 का शेयर है 20% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो 10 का 20% कितना होता है 2, तो 100 का शेयर है उसको अपन कितने रुपए में, ₹10 का शेयर है हम उसको ₹12 में क्या कर रहे हैं इश्यू कर रहे हैं, यानी शेयर कैसे इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, पेबल 5 on application, ₹5 एप्लीकेशन पे पे करने जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, ₹5 एप्लीकेशन पे जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी क्या हो गया 3+2। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे देना है कितना, ₹3। उसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे देने कितने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4, ठीक है। उसका लिखा है द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स, टोटल 75,000 एप्लीकेशन, 75,000 एप्लीकेशंस क्या हुआ रिसीव हुई, इसमें से जो कैटेगरी ए है आउट ऑफ 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड फुल, 75 में से 40,000 शेयर्स को पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट हुए, आउट ऑफ 75,000 शेयर्स 25,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, एंड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स निल, कुछ भी नहीं दिया, राइट। अब क्या कह रहा है, अ शोल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड, कह रहा है एक शोल्डर है जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, 200 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड अंडर लिस्ट ए, जो ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स विद अलॉटमेंट मनी। उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ अपना बाकी का रिमेनिंग सारा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। तो अलॉटमेंट के बाद क्या मंगाना है, फर्स्ट कॉल मंगाना है, यानी फर्स्ट कॉल मनी किसके साथ पे कर दी, अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। अनदर शेयरहोल्डर होल्डिंग 600 शेयर, एक और शेयरहोल्डर था जिसको कंपनी ने 600 शेयर्स अलॉट करे थे, फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, और कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट कर लिया। His forfeited shares were forfeited and 500 of these share or out of these 600 500 shares को दोबारा क्या करा, reissue कर दिया, 500 shares को दोबारा reissue कर दिया of ₹11 per share के हिसाब से। तो 10 का share है, 11 में issue है, मतलब face value of share is 10 और हम issue कितने में कर रहे हैं, 11 में, यानी ₹1 का premium हो गया। Expenses on issue came to 20,000, which were fully write off against the security premium. अब अपन को इसकी journal entry pass करनी है। देखिए,
राइट फर्स्ट एंट्री, देखिए फर्स्ट एंट्री, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 75,000, 75,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, तो लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 इंटू 5, 75,000 इंटू 5 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 75,000 इंटू 5, 75,000 इंटू 5। सेकेंड एंट्री लिखो फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने अलॉट होंगे जो डिसाइड हुए थे, डेट इज 60,000, हमें 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 75,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे जो पहले से डिसाइड हुए थे, डेट इज 60,000, तो एंट्री लिखो शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस 5 में से कैपिटल कितना है 3 का और 2 रुपीज का एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 60,000 इंटू 2, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 60,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3। बताइए इन तीन एंट्रीज में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस थ्री एंट्रीज, नाउ सिक्स। अब नेक्स्ट एंट्री वैसे काई की होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ 60,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 75,000 एप्लीकेशन हमें क्या हुआ रिसीव हो गई, 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, यानी 15,000 एप्लीकेशन, 15,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई, 15,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई, तो ये जो 15,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई है, तो इसका ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसका ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसका हमने क्या करा, इसमें से कितना एप्लीकेशन मनी अपन ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, कितना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा और कितना एप्लीकेशन, कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपन ने रिफंड कर दिया, तो उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए अपन ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट, फर्स्ट कॉलम होता है आपका टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड कॉलम आपका होता है एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन रुपीज 5, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट रुपीज 3, उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका एडजस्टेड, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज 4, और नेक्स्ट इज रिफंड। नाउ ए कैटेगरी, ए कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी कितना है 5 पर शेयर, ए कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई, ए कैटेगरी में एप्लीकेशन आई है 40,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर, यानी 2 लाख रुपीज रिसीव हुए, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं 40,000
तो 40,000 × 5, 40,000 × 5 2 लाख रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो ए कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई थी, 40,000। एप्लीकेशन मनी कितना है, 5 रुपीज पर शेयर, यानी ए कैटेगरी वालों ने आपको 2 लाख रुपीज पे करे। आपने क्या दिया ए कैटेगरी को, आपने 40,000 शेयर दिए ए कैटेगरी को, तो 40,000 × 5 के हिसाब से 2 लाख रुपीज उनके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 2 लाख आए, 2 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो आगे ना तो कोई अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल पे, और ना कोई अमाउंट हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। नाउ बी कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो बी कैटेगरी में 25,000 एप्लीकेशन आई थी और शेयर्स कितने अलॉट हुए, 20,000। तो 25,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, यानी ये जो अलॉटमेंट हुआ है बी कैटेगरी में, ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ये हमारा कौन सा अलॉटमेंट है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। तो इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 25,000 और 20 का रेशियो 5:4 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया, कि जिन एप्लीकेंट्स ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको कितने 4 शेयर्स क्या करें, अलॉट करें। तो ये जो अलॉटमेंट है ये कैसे हुआ है, प्रो रेटा बेसिस पे। तो बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, बी कैटेगरी में 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर। तो 25,000 × 5 के हिसाब से कितना आया, 1,25,000 रुपीज आए, 1,25,000। कितने शेयर्स अलॉट करने हैं आपको, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 20,000 शेयर्स अलॉट करने हैं एंड एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर। तो 20,000 × 5 के हिसाब से 1 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 1,25,000 में से 1 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो बाकी बचा रिमेनिंग 25,000। तो ये जो रिमेनिंग 25,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। अब एक बार जरा चेक करो कि बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है। बी कैटेगरी में 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 पर शेयर, यानी अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 60,000 रुपीज मंगाने हैं, जबकि मेरे पास सरप्लस अमाउंट कितना है, 25,000 ही है। तो पूरा का पूरा 25,000 रुपीज एडजस्ट होगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो ना कुछ फर्स्ट कॉल के लिए बचा, ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। समझ में आई बात, समझ में आ गया। बी कैटेगरी 25,000 एप्लीकेशन आई, 25,000 × 5 के हिसाब से 1,25,000 आए, कितने शेयर्स अलॉट हुए, 20,000। तो 20,000 × 5 के हिसाब से 1 लाख रुपीज एडजस्ट हुए एप्लीकेशन पे। तो सरप्लस कितना बचा, 25,000। अब बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, 60,000 मंगाने हैं, लेकिन मेरे पास सरप्लस अमाउंट केवल 25,000 का ही है। सी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000। तो 10,000 × 5 के हिसाब से 50,000 रुपीज आए, क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो नो अमाउंट विल बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो पूरा का पूरा 50,000 रुपीज क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। पूरा का पूरा 50,000 रुपीज क्या होगा, आपका रिफंड हो जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ उसमें से 25,000 रुपीज एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे एंड रिमेनिंग 50,000 रुपीज कर दी अपन ने क्या, रिफंड। 50,000 रुपीज कर दी अपन ने रिफंड। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 × 5, ये हमें एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव हुआ। इसमें से 25,000 रुपीज अपन ने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना किया, 25,000 एंड 2 बैंक अकाउंट कितना रिफंड कर दिया, 50,000 रुपीज अपन ने कर दिया रिफंड। बताइए समझ में आई क्या बात,
किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होना था? अलॉटमेंट पे टोटल 60,000 शेयर्स अलॉट कर रहे थे अपन ने। 60,000 अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 रुपीज पर शेयर, यानी कितना हुआ? 1,80,000। 1,80,000 उसके बाद लेस करेंगे इसमें से रिसीव इन एडवांस। तो कितना हमें एडवांस में रिसीव हुआ? 25,000 रुपीज हमें एडवांस में रिसीव हो गया। 25,000, तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से 1,80,000 में से 5,000 रुपीज एडवांस में रिसीव हो गए। तो बाकी कितने बचे? रिमेनिंग 1,55,000। तो 1,55,000 में ये हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। प्लस एक और चीज मिलेगी अलॉटमेंट पे, क्या? एक शोल्डर था जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी ए, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो अलॉटमेंट पे अपन को फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी रिसीव होगा। कितना? 200 शेयर्स थे, 200 थे एंड फर्स्ट कॉल कितने का है? 4, तो कितना हो गया? 800। यानी जो टोटल अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा? 1,55,800। ये अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। कितना? 1,55,800। दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ। अलॉटमेंट कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 60,000। अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर, यानी टोटल हमें 1,80,000 अलॉटमेंट पे रिसीव करना है। आउट ऑफ 1,80,000 ये 25,000 हमें ऑलरेडी एडवांस में मिल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,55,000 ही हम अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का अमाउंट। और क्या मिलेगा? एक शोल्डर था जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। यानी अलॉटमेंट पे ये 1,55,000 तो मिलेंगे ही, प्लस हमें फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी क्या होगा? रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,55,800 टू शेयर अलॉटमेंट 1,55,000 एंड टू कॉल्स इन एडवांस 800 बताइए। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल पर ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 into 4। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये आपकी इच्छा पे कि आप कॉल से नियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके जो MCQs आएंगे तो नीचे जो ऑप्शन आपको दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली सॉल्व होता है सब्जेक्टिव में, तो इन केस ऑफ साइलेंस दोनों सॉल्यूशंस अलाउड होते हैं, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और बाय विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ ये फर्स्ट कॉल मानिए अपन ने ड्यू करा। अब फर्स्ट कॉल पे देखो क्या हुआ।
टोटल 60,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, इसमें से एक शोल्डर था जिसको आपने 200 शेयर्स दिए थे, उसने ऑलरेडी वो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल मनी दे चुका पहली, वो अब दोबारा नहीं देगा। और एक और शोल्डर था जिसको आपने 600 शेयर्स दिए थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। यानी आपका जो फर्स्ट कॉल मनी है, जो आपका फर्स्ट कॉल मनी है वो किससे रिसीव होगा? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा जो रिमेनिंग बच गए। रिमेनिंग कितने बचे? ये 59,200, ये बचे क्या रिमेनिंग? 59,200। 60,000 में से 200 ऑलरेडी पहले ही दे चुके थे, और बाकी एक शोल्डर था जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने दिया नहीं। तो 600 में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे कितना बचा? 59,200। यानी फर्स्ट कॉल मनी अब जो रिसीव होगा कितने से होगा? 59,200। दो काम करने हैं, एक तो 59,200 से फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, प्लस ये जो कॉल्स इन एडवांस था इसको एडजस्ट करना है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 59,200 इंटू 4, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना कितना था एडवांस में? एडवांस का अमाउंट कितना था? 800 रुपीज। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कितने थे? 200 शेयर्स थे ना, तो 200 इंटू 4, टू शेयर फर्स्ट कॉल 59,400 इंटू 4। तो ये फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अब फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। शेयर्स कैसे इश्यू हुए थे? प्रीमियम कब मंगा रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और हम ये 600 शेयर्स क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। यानी 600 शेयर्स के केस में प्रीमियम ड्यू और रिसीव दोनों हो चुका है, तो प्रीमियम ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? पूरे 10 रुपीज कंपनी ने मंगा ली है। वेरी गुड, कितनी है? 10 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10। क्रेडिट क्या करना है? जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो एक तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 600 इंटू 4। और क्या क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर, जो भी कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है वो फॉरफिट हो जाएगा। कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है? कितना कैपिटल अमाउंट? 6 और 4। इसने क्या पे करा? इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दे चुका है, तो एप्लीकेशन पे करे 5 रुपीज, लेकिन 5 में से कैपिटल का अमाउंट कितना है? 3 का 2 तो प्रीमियम है, और अलॉटमेंट पे 3 दे चुका है, तो अलॉटमेंट का 3 पूरा कैपिटल है, तो 3 + 3 6 रुपीज का कैपिटल अमाउंट ये पे कर चुका है, तो ये हम इसका फॉरफिट कर लेंगे। अब कंपनी ने 600 में से 500 शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया 11 में, तो 10 के शेयर को 11 में री इश्यू कर रहा है, यानी 1 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 11, टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 1। इसके बाद शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट करा है? 600 इंटू 6। डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, कितने शेयर फॉरफीट हो रहे हैं? 600। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू हैं? 500। और माइनस क्या करेंगे इसमें से? डिस्काउंट ऑन री इशू, तो शेयर्स के री इशू पे कितने का डिस्काउंट है? कोई डिस्काउंट नहीं है, 0। तो कितना हो गया ये आपका? 3,000 रुपीज। तो 3,000 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 3,000। तो
एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3000 3000। अब इसमें एक और चीज कह रहा था कि शेयर्स को इश्यू करने पर हमारे 20,000 रुपीज के एक्सपेंस हुए, तो इसकी एंट्री लिखो इन एक्सपेंसेस को पे करने की। क्या एंट्री होगी? शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। और फिर शेयर्स को इश्यू करने में जो भी एक्सपेंस होते हैं इसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट 20,000 20,000। बताइए किसी को कोई डाउट किसी भी एंट्री में?